الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين لكاذبون قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق سلاس إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ہم سب کے لیے مکمل ضابطۂ حیات بنا کر عطا فرمایا ہے جس میں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک رات سونے سے صبح اٹھنے تک 24 گھنٹے کے اعمال کے مطابق رہنمائی ملتی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے مطابق دین اسلام میں رہنمائی نہ ملتی ہو. اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان کو ماننے والے لوگ چند رسومات کی نظر ہو کے رہ گئے اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین کا تعلق صرف چند رسومات کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوبیس گھنٹے کی رہنمائی کے لیے مقتدا بنا کر ہمارے پاس لے جائیں. زندگی کا ہر لمحہ پر انسان کا دین کے مطابق گزرنا چاہیے. صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے,
सारी की सारी जिंदगी और जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह तबारक और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर चलने का नाम नहीं है। दूसरी अकवाम से मुतासर होकर आज बात मुसलमानों ने भी ये समझना शुरू कर दिया कि दीन तो सिर्फ इबादात का नाम है, दीन का ताल्लुक तो सिर्फ मस्जिद के साथ है, मस्जिद में आओ और दीनदार बन जाओ, मस्जिद से निकलो तो अब दीन का क्या वास्ता। उम्मत मुस्लिमा को जहां और बहुत सारी फिक्री गुमराहियों ने तजलजल का शिकार किया है, ये भी एक बहुत बड़ी गुमराही है कि इंसान ये समझे कि दीन का ताल्लुक सिर्फ मस्जिद के साथ है, इंसान मस्जिद में हो तो अल्लाह की मान के चलना है, मस्जिद से बाहर हो तो अब अल्लाह तबारक तआला की मान के चलने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी गुमराही है। बड़े बड़े दीनदार लोग जब मामला की उनकी बारी आती है तो बड़े कमजोर दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बसा अपना दीनदार ही दीन की बदनामी का सबब बन जाते हैं। वो बीमारियां जो माशरे को दीमक की तरह खाए जा रही है और उसकी वजह से बड़े बड़े दीनदारों के आमाल खराब हो रहे हैं, इबादात जाया हो रही है, उनमें एक बड़ी बीमारी झूठ बोलने की है। असौकात दीनदार कहलाने वाले हजरात भी झूठ बोलने को गुनाह नहीं समझते, हालांकि झूठ बोलना कुरान करीम में भी मुनाफिक की आदत बताया गया है और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको मुनाफिक की अलामत करार दिया है। कुरान करीम में इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, तो बेशक मुनाफिक लोग झूठ बोलते हैं और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आयतुल मुनाफिक की सलास, मुनाफिक की निशानियां तीन हैं, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, वाइज़ा वाद अखलफा, जब वादा करे तो उसके खिलाफ वर्जी करे, वाइज़ा अतुमिन खान, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी झूठ बोलने को मुनाफिक की निशानी बताया है। तो ये झूठ हमारी जिंदगियों में आज
इस तरह बच बच गया है कि इसको गुनाह भी नहीं समझा जाता। जिस गुनाह को इंसान गुनाह न समझे उसको पैदा की तौफीक भी आमतौर पर इंसान को नहीं होती, और जिसको गुनाह समझे आखिरकार नफ्स मलामत करता है, इंसान तौबा पर आ जाता है। तो झूठ बोलने को लोग गुनाह नहीं समझते, हालांकि ये गुनाह ही कभी रहा है, और इंसान को बसा होगा झूठ बोलने की बिना पर अपने एक झूठ को छुपाने के लिए फिर कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच इंसान को निजात देता है और झूठ इंसान को हलाक करता है। तो मामला है उसमें इंसान सच बोल दे तो वकी तौर पर तो अपनी गलती पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन मुस्तकबिल में वो शर्मिंदगी से बच जाता है। लेकिन अगर सच की बजाय झूठ बोल दिया, अब जब तफसीली बात पुरुषों की जिंदगी के मामला चलेंगे तो फिर अपने उस एक पुराने झूठ को छुपाने के लिए जिंदगी में मुसलसल दर्जनों झूठ बोलने पड़ेंगे। तो ये झूठ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानी बताया, निफाक की अलामत करार दिया है। निफाक क्या चीज है? दीन इस्लाम को और उसकी बातों को दिल से सच्चा न जानने का नाम निफाक और मुनाफिकत है। क्या कि जुबान से और जाहिर से इस्लाम का इजहार करे लेकिन दिल से इस्लाम को और इस्लाम की बातों को झूठ समझता हूं। मसौदा ये निफाक दिल में पाया जाता है, इस पर निफाक इत्तेदादी कहती है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के नतीजा में मदीना तैयबा में एक गुरु वजूद में आया था जिनको मुनाफिकीन का गुरु कहा जाता है। उनके अंदर यही निफाक इत्तेदादी था कि वो जुबान से इस्लाम का इजहार करते थे लेकिन दिल से इस्लाम को बुरा जानते थे। मुसलमानों के पास बैठते तो मुसलमानों को ऐसी बातें करते थे और उनसे हमदर्दी जताते थे, लेकिन जब काफिरों के पास बैठते तो काफिरों वाली बातें करते थे और उनसे हमदर्दी जताते थे। जब इन मुनाफिकीन को कहा जाता है कि एक दूसरे मुसलमानों सहाबा के नाम की तरह खड़े खड़े मुसलमान हो जाओ, सही मानों में ईमान ले आओ जैसे मुसलमान दूसरे ईमानदार हैं,
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا اس طرح ایمان قبول کریں جیسے ان بالکفروں نے قبول کیا؟ اللہ رب العزت کی ذات کو یہ بات سن کر نہ ہے ناراضگی ہوئی، اس نے فرمایا اللہ صفحہ، ان کو علم نہیں ہے جو صحابہ کرام ایمان لائے وہ بالکف نہیں بلکہ یہ بالکف ہے، ان کا طرز عمل بتایا گیا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے پاس جا کے مال سے مزاق کرتے ہیں. تو یہ نفاق اعتقادی تھا، عقیدتاً منافقت، کہ دل سے اسلام کو برا سمجھنا، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا. اللہ رب العزت نے منافقین کی قرآن کریم میں بڑی سخت سزا بیان فرمائی ہے، دوزخ میں اور کافر بھی جائیں گے، منافقین بھی جائیں گے. رمائن المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں، سب سے زیادہ تکلیف دہ عذاب منافقین میں ہو رہا ہوگا. صرف دنیا کے اندر دو چہرے رکھتے تھے، دوبارہ بنی سی سرکار لیتے تھے، تو منافقین کا سیوا ہی جھوٹ بولنا تھا. مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، کفار کی بات جاتے تو کہتے ہم کہا جو ہے مسلمان نہیں، ہمارا مسلمان سے تعلق نہیں، ہم تو وہاں مال انسی گزار کے لیے جاتے ہیں. تو قرآن کریم نے جھوٹ بولنا منافق کا طرز قرار دیا اور منافقت قرار دی. اب اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے تو وہ اعتقادت تو منافقت نہیں ہے، دل سے تو اس اسلام کو سچا سمجھتا ہے لیکن عمل اسلام کی باتوں کو جھٹلا رہا ہے. جب اسلام نے منع کیا جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ کے بارے میں بتایا یہ مستقبل کے اعتبار سے تباہی ہے، اس لیے اس سے بچو. تو جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے وہ قرآنی تعلیمات کو عمل جھٹلا رہا ہے، یہ عمل نفاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس لیے جگہ جگہ پر قرآن کریم کو نفاق کی علامت بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جھوٹ جیسی موذی بیماری کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے، حالانکہ شرک جھوٹ میں سے عظیم جرم ہے، گناہوں میں سے عظیم ترین گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جھوٹ کو شرک کے ساتھ ذکر کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا بچ کے رہو بت پرستی کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کے کہنے سے بچتے رہو. تو شرک کے ساتھ جھوٹ کا ذکر کیا ہے، اس جھوٹ کا جرم عظیم ہونا سمجھ میں آتا ہے.
جس طرح نے بتایا کہ ذات کو شرک برداشت نہیں ہے, جھوٹ بھی برداشت نہیں ہے. مشرک آدمی بھی جھوٹ بولتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے ساتھ اس کی بھی عبادت ہے, تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے اپنی ذات کو خاص کیا ہے, عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو جھوٹ بولنے والا شخص اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو شرک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرے میں ذکر فرمایا. آج بہت دیندار آدمی جھوٹ بولنے کو بڑا خیال نہیں کرتے. مثلا نمازی بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, کوئی لکھت پڑھ کا معاملہ آ گیا, مثلا کوئی نوکری ہے, نوکری میں چھٹی چاہیے, چھٹی کے لیے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ظاہر کیا تو فلاں میں شدید مرض کے اندر مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے میں اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتا, لہذا مجھے اتنے ہفتوں کی چھٹی چاہیے. اب کاغذات میں درخواست لکھی گئی اور جھوٹ لکھا گیا, حالانکہ ہے صحت مند, چھٹی مل گئی, کہ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ جو لکھا گیا اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھا گیا. اب جس قدر چھٹی لی اتنی چھٹیاں کرنے کی وجہ سے جو اس منصب ہوا, اس شعبے کا نقصان ہوگا, یہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے اور اس کے اپنی ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہے. یہ ایک شخص ہے جھوٹ کی بہت ساری اس طرح شکلیں ہمارا بتایا تو اپنے گناہ نہیں سمجھ جاتا. ایک آدمی ہے, ایک خاص نوکری ہے جو آئی ہے, وہ اس کا اہل نہیں ہے, لیکن وہ بڑے آدمیوں سے سفارش لکھوا کر اس نوکری کا اہل بن جاتا ہے. اب اس مرض کرنے والا آدمی کہتا ہے کہ یہ اس کی نوکری کر سکتا ہے, اس کا اہل ہے, اس کی تعلیم بھی ایسی, اس کا تجربہ ایسا اور بھی ایسا, لہذا اس کو یہ نوکری دی جائے اور نوکری مل جاتی ہے. حالانکہ وہ اس لیول کا آدمی نہیں ہے جس لیول کا آدمی اس شعبے کو درکار ہے. تو یہ جھوٹی سفارش کی وجہ سے اس وقت پر آ گیا, اس مقبل کو شعبے کی تباہی. اب یہ ہمارے معاشرے کا جھوٹ ہے اور یہ انتہائی نقصان دہ ہے. اس کی وجہ سے آج جس آدمی نے جھوٹی سفارش کی ہے مستقبل میں اس شعبے کا اتنا نقصان ہوگا, یہ ذمہ دار ہوگا. تو جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کو بڑا ہوگا نمازی آدمی بھی گناہ نہیں سمجھتا. جن گھروں میں بڑے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو گناہ خیال نہیں کرتے, وہاں پر چھوٹے ماحول سے متاثر ہو کر وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو دور خیال نہیں کیا جاتا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر فرمائی کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو, لیکن بڑا آدمی بڑے آدمی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے. یہ تو منع ہے ہی, بڑا آدمی بچے کے ساتھ جھوٹ نہ بولے. اگر بچے کے ساتھ جھوٹ بولے گا
तो उस तकबीर में बच्चे का जहन बन जाएगा कि कोई मौका की मुनासिबत से झूठ बोलना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए या अपने किसी का मुसीबत करने के लिए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा थे, गैबुल उम्महात मोमिनीन में से एक खातून आपके पास बैठी थी, तो एक बच्चे को अपने पास बुलाना चाहा, बच्चा आ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ मैं आपको खाने की चीज दूंगी। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बच्चे को आपने कहा है कि आप आओ मैं आपको चीज दूंगी, अब आप क्या देंगे? फरमाया कि उन्होंने अर्ज किया बल्कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जहन में था कि अगर वो आएगा तो मैं बस खजूर ले लूँ, खजूर दूंगी। आपने फरमाया अगर तुम्हारे जहन में कुछ भी देना ना होता और तुम ऐसे ही उसको कह रही हो कि आओ मैं तुम्हें चीज दूंगी, तो ये एक झूठ होता। तो बच्चों के साथ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका खानदान के माशरे के और बच्चों के मुस्तकबिल पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। देखा देखी घरों के माहौल को देखकर बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और वसादत वालदैन की इस्लाह करने की बजाय उनको सपोर्ट करते हैं और उनके झूठ पर पर्दा डाल देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि वो दिन ब दिन खुद अपने गलतियों में आगे बढ़ते रहते हैं। अभी छोटी सी मामूल की बात है, बच्चा स्कूल पढ़ता है, अपनी क्लास के बच्चे पर की कोई चीज चुरा ली, साथ पढ़ने वाले बच्चों के बैग से पेंसिल चुरा ली, शार्पनर चुरा लिया, बॉल पेन चुरा लिया, कोई और उसके बैग से कोई चीज निकाल के चुरा ली, वो देख रहे तो छोटी सी चोरी है। अगर कहा गया की कि नहीं की, मैंने ऐसा नहीं किया, बच्चा को चोरी की चीजें घर में भी लेके आता, मां को पता है कि यहां रोज तो स्कूल से आता है तो कई तरह की चीजें उसके पास होती, कई बैल पर कई शार्पनर और कई और तरह तरह की चीजें जो बच्चों के इस्तेमाल के लिए लेके आता है। अब मां उससे पूछती नहीं तो कहां से लेके आता है, इतने पैसे पूछे तो घर से नहीं होते, तेरी जरूरत भी नहीं है। मां उस बच्चे को चोरी पर और पक्का कर देती है। अब अगर कोई महिला की औरत या उस बच्चे की तलाश कर लो, मां अगर शिकायत लेके आ जाती आपके बच्चों ने हमारे बच्चे के बैग से ये चीजें चुराई हैं, मां पता करे बेकार भी आया, मां फिर भी पता लगे मेरे बच्चा ने सहाय है, इसने कभी चोरी की नहीं है, इसने कभी झूठ बोला ही नहीं है, देखो वो कह रहा है कि मैंने नहीं चुराई, हालांकि मां को पता है ये चोरी कर। अब मां उसको झूठ में पर्दा डालती है, इसका नतीजा ये होता है कि बच्चा आज छोटी छोटी चीजें चोरी कर रहा होता है और छोटा चोर होता है जब बड़ा होता है तो बड़ा डाकू बन जाता है। फिर मां बाप के लिए खानदान के लिए बदनामी का बायस बनता है और फिर घर का सुकून तबाह होता है, फिर वालिदैन परेशान होता है कि हमने इस बचपन के अंदर इसकी गलतियों की इस्लाह रखी और इसके झूठ को हमने छुपाया, इसको सच बोलने की आदत न लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि इसका मुस्तकबिल तबाह हो गया। तो बच्चों को भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। हमारे यहां झूठ बोलने की तो सूरत यही है, माशरे में कई सूरतें हैं झूठ बोलने की और उसको झूठ न समझने की और उसको बनाना समझने की। चार आदमी बैठते हैं, किसी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते,
और मजार मजार के अंदर उसके अंदर ऐसी उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह उसकी शख्सियत मजबूर होती है, दिल के अंदर उसको सदमा होता है। चार लोगों के सामने कह दिया ये ऐसा है, ये ऐसा है, तमाम होता है, उसने ऐसा किया, ऐसा हो, ऐसा हुआ, बात कर दो, हम तो मजाक कर रहे थे। उन चार लोगों के सामने जब झूठ बोला उसकी शख्सियत तो मजबूर कर दी। शरीयत ने ऐसे मजाक की इजाजत कैसे दी? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तरह से इजहार फरमाया उस शख्स के बारे में जो मजाक के अंदर झूठ बोलता हो। मन नहीं आ रही अपना चलिए रस्ते पर आने जा रहे हैं और उस दवा की खड़े हो तुझे कैसे बकवास कर रहा है, ये फलाना का बन गया, इसने यूं किया, फलाना का बन गया, यूं किया, वैसा किया, हा 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 हा, सब वैसा सब झूठ हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होता। लोग सारे के लिए झूठ बोलना शरीयत ने ऐसे मजाक की इजाजत नहीं दी, शर्म हराम है। जायज मिजाज जायज दिल लगी की इजाजत दी है, खुद भी आपने फरमाई है दिल लगी, लेकिन उसको सच बोलना झूठ नहीं बोलना। जैसा कि रिवायात में आता है कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा थे तो एक बूढ़ी अम्मा आई, उन्होंने दुकान पर जाने की दरख्वास्त की कि आपने हमको दुआ फरमाया, अल्लाह का मुझे अता फरमाया, तो आपने फरमाया कोई बुरी आदत में नहीं जाएगी। अभी हुजूर नबी पासन का फरमान जब उस बूढ़ी औरत ने सुना कि कोई बूढ़ी जंगल में नहीं जाएगी तो रोने लगी। आपने फरमाया कि भाई कोई बूढ़ी जंगल में नहीं जाएगी बुढ़ापे की हालत में, जाएगी जवान और भी जाएगी। अब आपने मिजाज तो फरमाया लेकिन मिजाज में भी सच से बात इशार फरमाई, सच बोला। एक सहाबी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अगर अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर जाना है और मुझे एक ऊंट चाहिए सवारी के लिए, आपने फरमाया मैं तुम्हें ऊंटनी का बच्चा दूंगा। अब वो सहाबी परेशान हो रहे, कहने लगे हजरत जी मैंने तो सफर पर जाना है, ऊंटनी के बच्चे पर मैं सफर कैसे करूंगा? आपने फरमाया जो भी ऊंट है वो ऊंटनी का बच्चा ही तो होगा, बड़ा ऊंट भी तो ऊंटनी का बच्चा ही होगा। तो आपने निजाम फरमाया लेकिन निजाम में भी आपने झूठ बात नहीं इंसान की। तो हमारे यहां जब आपस में होते हैं इकट्ठे तो बस अवकात झूठ बोल के अपने तक तो बुला कर रहे हैं। ये अप्रैल का महीने जब शुरू होता है ये वो अप्रैल से कहते अप्रैल फूल, झूठ बोलने का आदमी दिन, लोगों को बेवकूफ बनाने का आदमी दिन वो बनाया हुआ है। सत्रह अप्रैल जिस दिन है तो लोगों को झूठ बोल के बेवकूफ बनाना है। अच्छा मैं समझदार लोग बस अवकात दूसरे को फोन कर देते हैं ये माफ करना मुझसे बात बहुत हो जाए। अब वो बेचारे रोड पर बुलाते हुए जाना गाड़ियों में आते हैं आगे देखते तो बेचारा सीट मन बैठा हो क्या क्या बुलाए थे फलाने ने एक्सीडेंट कर दिया, फलाने सरकार ने फलाम वार में फलाम बैठ को बैठ पढ़ाया वहां रास्ते में रोड पर कौन जमा मुश्किल ने ये बुलाया थे। ये चीज झूठ और दूसरे मुसलमान को तकलीफ देना और उसको बुला भी नहीं समझ जाता। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की निशानियां तीन है, उनमें से पहली निशानी है कि बात करे तो झूठ बोले। हमारे यहां कारोबार के अंदर झूठ बोलते हैं तो जब तुम्हें तो बुलाई जाए कि अभी कारोबार में
सच बोलेंगे तो कारोबार में बरकत होगी, कुछ झूठ के बता तो कारोबार चलता ही नहीं। अभी दलील है कि कोई कारोबार झूठ के बगैर चलता नहीं है। अगर झूठ के बगैर कारोबार न चलता होता तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कारोबार में सच बोलने की बात ना फरमाते। क्योंकि झूठ के बगैर कारोबार मुमकिन है और सहाबा किराम ने किया हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और खरी जिंदगी हमारे सामने। अपने कारोबार सिर्फ नसर अपने इलाके में किया बल्कि मालक तक आपने तजारती सफर किए हैं और आपकी तजारत चंद की आवाज पर दूसरे लोगों के प्रतिष्ठा से ना मनाना हुआ है। इसी वजह से लोग आपको सादक कहते थे। सादक का मना सच्चा मशहूर का होता है। आप झूठ नहीं बोलते थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसे भी मुतासर होकर आपसे खिताब किया था कि ऐसा अच्छा काजल सच बोलने वाला सच्चा खरा कहां मिलता है। इसलिए हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत करने वाले सच्चे खरे आदमी को बहुत अजीम खुशखबरी सुनाई है। सच्चा अमानतदार ताजर करना क्यामत के दिन नबियों सिद्दीकों शहीदों सालहीन लोगों के साथ कितनी बड़ी अजीम खुशखबरी। तो जी कहना कारोबार झूठ के बगैर चलता नहीं, ये बिल्कुल अजीब बात है। आज वो लोग जो गैर मुस्लिम है बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी बड़ी नशल कंपनियां और आलमी लेवल पर काम करते हैं, उन्होंने भी कोई चीज तैयार की होती तो उस पर उसमें अज्जा लिखे होते हैं कि ये चीज जो आपके हाथों में है इतनी इसकी कीमत है और इस कदर फुला फुला चीजें इस्तेमाल हुई है, फला चीज इतनी मिकदार में, फला इतनी मिकदार में, फला इतनी मिकदार में, और जितनी लिखी होती है आपके अंदर ऐसा ही होता है। उनका कारोबार चमक रहा है और हमारा कारोबार भी चल जा रहा है, इसलिए कि हम लिखते कुछ और है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इसलिए भारत की आदत हो गई। तो सच इंसान को तबाह करता है, झूठ हमेशा इंसान को तबाह करता है। जिंदगी के हर शोबे के अंदर अगर सच आ जाए तो माशरे का बहुत बड़ा बिगाड़ खत्म हो जाएगा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खरी और सच्ची जिंदगी गुजारने की तरकीब फरमाई। हमारे सुन्नत वल जमात का यकीना नजरिया है कि सैयदना अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अंबियाद के बाद कायनात के तमाम लोगों से अफजल है और उनका लकब सिद्दीक है, बहुत सच्चा। उनमें इतना मकाम और मर्तबा जो मिले ये सच बोलने की वजह से मिला। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से मिला, आप पर अपने आप को फरमा करने की वजह से मिला। तो सच इंसान को निजात देता है, झूठ इंसान को तबाह करता है। अपने एतमाद को बनाने के लिए
साल हर साल लग जाते हैं, जिंदगी जिंदगियां लग जाती है, लेकिन इंतकाम को उठवाने के लिए किसी के सामने एक मतलब झूठ बोल दो, उसको पता चलेगा कि वो ये झूठ बोलता है, इसने ये बात झूठी की है, इस बात में झूठा है, वो जिंदगी भर के लिए उससे इंतकाम उठ जाता है। तो सच इंसान को निजात देता है और झूठ इंसान को तबाह करता है। जितनी भी इस वक्त तक आए हैं माशर्ती सूरत हाल है, घरों के अंदर जो लड़ाइयां और फसाद है, तलाकों तक जो नौबत आई है, इसकी बड़ी वजह आपस में झूठ बोलना है। झूठ न बोला जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो आदमी कहते मुझसे गलती हुई है और अंदर मैं उस चीज का ख्याल रखूंगा, तो खानदान में माशरे में फसाद ना हो, लड़ाइयां ना हो, बात ना बढ़े। जब एक दूसरे पर झूठ बोलना, झूठे इल्जामात लगाने हैं, तो फिर माशरे की तबाही है, जगह पर पड़ेगी। और इस्लाम ने जितनी तालीमात मुसलमानों को दी है, एक भी बात ऐसी नहीं जो हकीकत से हटकर और उसमें इंसान का नुकसान हो। इंसान का अपना ही फायदा है। हमारे यहां अदालतों में केस होते हैं, अब जाहिर बात है कोई भी केस अदालत में आया है, उसमें एक फरीक झूठा है, दूसरा सच्चा है, लेकिन जो झूठा है खानदान वाले उसका साथ देने को तैयार है, उसके साथ मिले हुए जी हमारा रिश्तेदार है, झूठा कहता है साथ देंगे, झूठी दवाई देने के लिए भी तैयार है, वकील साहब झूठा मुकदमा लड़ने के भी तैयार है। अब वकील को पता है कि भाई ये आदमी मेरे पास केस लेके आया है और मुझे कहा ये केस लड़ो, इसमें ये झूठा है, लेकिन वकील फिर भी अपने जेब की सारी सलाहियतें उसको सच्चा साबित करने पर खर्च कर रहा है और उसकी कोशिश होती मैंने उसका केस जो है लिखवाना है, और कितना बड़ा झूठा होता है, वकील उससे उस मुकदमे से बड़ी होने के लिए उतने ज्यादा पैसे लेते हैं, और फिर आपने झूठे दलाल की बिना पर जो है उसको उस केस से निकालता है, इसको गुनाह नहीं किया। अगर इसको गुनाह समझ ले तो अदालतों के अंदर जितने केस पड़े हुए होते हैं पेंडिंग के अंदर, साल साल तक केस चलते हैं, बस अगर अगली नस्लों तक केस चलते हैं, पता नहीं होता है जो थोड़ी कभी हम देते हैं, लेकिन अपना सर वहां बसाया हुआ है और बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं। तो ये मोमिन की शान नहीं है, इस्लाम की तालीम नहीं है, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। आपने झूठे शख्स से नफरत का इजहार करना है, तो ये अदालतों के अंदर जो आज केस चल रहे हैं, इसमें यकीनी तौर पर जाहिर बात है तो उसे झूठ है, लेकिन इसके बावजूद वो झूठ को सच साबित करने के लिए दलाइल पे दलाइल आ रही, तारीख पे तारीख पड़ रही है, लेकिन झूठ से पीछे नहीं हट रहे। अब ये माशरा पता कैसे पाएगा जिसने झूठ को सच बना के और सच को झूठ बना के पेश किया। अब जो फरीक झूठा है उसका वकील बदले मुकाबले को झूठा साबित करे, उसको सच को झूठ साबित करना, ये उस वकील का कमाल है। तो उसको झूठ को सच साबित करना और अपने झूठ को सच साबित करना,
अपने झूठ को सच और उसको सच को झूठ समझकर इस पर सारे सिद्धांत लिखकर चलते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इसलिए फरमाया इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मुनाफिक लोग झूठ बोलते हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान ने फरमाया कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह की लानत का मतलब क्या? अल्लाह की रहमत से दूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान पर बड़े मेहरबान है, नहायत कर्म करने वाले, बिन मांगे बेशुमार नेमत अदा करने वाले। इंसान की जात को बड़ों सी मोटी चीजों से बचाने वाले। जब इंसान झूठ के ऊपर आता है और अपने झूठ को सच साबित करने के लिए हाथ पांव मारता है, अल्लाह की रहमत पीछे जाती है, अल्लाह की मदद पीछे जाती है, अल्लाह तआला की तारीफ पीछे होती है। अब उसको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है तो वो फिर कहीं ना कहीं जाके तबाह होता है। और फिर आदमी के लिए और सब जो उसके मुताबिक है सबके लिए तबाही का बास होता है। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूरी है कि रब तआला की जात ऐसे झूठे शख्स को रहमत की निगाह से नहीं देखते और उस पर जो है अपने शफकत का हाथ उठा देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, खुद अपने आल औलाद अपने मतहत अफराद को हमेशा सच सिखाओ। सच से इंसान का दुनिया का मामला भी सीधा हो जाता है और आखिरत का मामला भी सीधा होता है। वरना दुनिया में तो आदमी किसी दौर भेज के जरिए से झूठ बोल के बच जाएगा, लेकिन आखिर में रब तआला की जात के अंदर उसके सामने मुंह नहीं दिखा सके। और अगर झूठ बोलकर किसी की इज्जत को मजबूर किया है, किसी की बच्ची को तलाक दिलवाई है, किसी की बच्ची को इल्जाम लगवाया है या और कोई झगड़े की बात खड़ी की है, तो उसकी वजह से जितना फसाद आया खानदान के अंदर, इलाके के अंदर, मोहल्ले के अंदर, जितनी गलतफहमियां फैली हैं, वो सब लोगों को नजदार हैं और उनकी माफी नहीं है। क्यामत के दिन रब तआला भी माफ नहीं करेंगे। बंदों के मामलात हैं, बंदों के साथ बंदे माफ करेंगे तब अल्लाह माफ करेंगे। इसलिए ऐसे मामलात में खासतौर पर जो घरेलू और माशरत के खानदानी है उसने कोई झूठी बात न कही है, वक्ती तौर पर सच बोलते हुए सच सुनते हुए इंसान को परेशानी होती है लेकिन आइंदा की हलाकत से बच जाता है। इसलिए कहते हैं सच कट गया होता है, इसका मतलब ये सच्ची बात को बर्दाश्त करना औखा है, मुश्किल होता है, लेकिन जो है ये वक्ती काम है, मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होता। झूठ देने को वक्ती तौर पर बड़ी अच्छी चीज मालूम हो रही होती है लेकिन जो है उसके नतज मुस्तकबिल के मुआवजा तुम्हारे मशरे के अंदर झूठ की बहुत सारी सूरतें गर्व हो जाए जिनको ना झूठ समझ जाता है और ना गुनाह समझ जाता है। जिस चीज को इंसान गुनाह ना समझता हो उससे कभी तो फर्क नहीं होती, तौबा की तौफीक उसी से होती है जिसको इंसान गुनाह समझता है। गुनाह समझने का तो तौबा की तौफीक हो जाएगी, उसे बाज दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस अजीम गुनाह से हम सबको जो है अल्लाह पाक निजात दे दे और हमारे माशरे की सिफात कर दे। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।